हेलो गाइस, वेलकम टू प्रॉफिट पायोनियर्स। गाइस, अगर आप अपने पैसे किसी हाई रिटर्न स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं बट डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से डरते हैं, तो आपके लिए म्यूचुअल फंड्स बेस्ट हैं। म्यूचुअल फंड्स में लगा पैसा वैसे तो स्टॉक मार्केट में ही लगता है, हाउएवर यहाँ आपका पैसा किसी एक स्टॉक में लगने के बजाय सैकड़ों कंपनियों के स्टॉक में लगा होता है। सो डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के कंपैरेटिवली म्यूचुअल फंड्स सिक्योर हैं। गाइस, जैसा कि हमने काफी वीडियोस में बताया हुआ है कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के दो मेथड्स हैं। एक होता है लमसम, यानी जिसमें आप अपना पैसा एक साथ इन्वेस्ट करते हो, और दूसरा होता है SIP, जिसमें आप एक सिस्टमेटिक तरीके से हर महीने थोड़ा थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। और यहीं पर बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि हम लमसम करें या SIP। तो गाइज, इस वीडियो में हम डिटेल में बताने वाले हैं कि आपकी इकोनॉमिकल कंडीशंस के हिसाब से आपके लिए SIP बेस्ट है या लमसम। म्यूचुअल फंड्स में SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये आपको सहूलियत देता है, यानी आप अपने इकोनॉमिकल कंडीशंस के हिसाब से 100 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं, और आप चाहे तो इसमें 100, 500, 2000, 3000, 10000 जितनी आपकी मर्जी उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं। SIP का फायदा भी यही है कि आपको इसमें फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। अगर आप किसी महीने SIP नहीं करना चाहते तो आप उस महीने SIP स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जब SIP शुरू करें तो आप अपनी कोई भी SIP स्किप ना करें। तो ऐसा करने से आपको वो रिटर्न्स नहीं मिलेंगे जो आपको मिल सकते थे। गाइज, आप अपनी सैलरी के अकॉर्डिंग ही इन्वेस्ट करें ताकि आपकी SIP कभी मिस ना हो। गाइज, आपने काफी सारी YouTube पर वीडियोस देखी होंगी जिनमें कोई इन्वेस्टर ये बताता है कि आप 10000 रुपए की सैलरी के बावजूद भी करोड़पति बन सकते हैं। तो गाइज, मैं आपको कोई झूठा दिलासा नहीं दूंगा। अगर आपकी सैलरी वाकई 10000 रुपए है तो आप इससे थोड़ा बहुत फंड रेज कर सकते हैं, लेकिन उससे करोड़पति बनना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो गाइज, पहले आप अपनी एक्टिव इनकम को इंक्रीज करने के लिए कोई जुगाड़ लगाओ। लमसम के थ्रू आप म्यूचुअल फंड्स में एक साथ पैसा डालते हैं। इन्वेस्टमेंट के इस तरीके में रेगुलर बने रहने की जरूरत नहीं होती जब आपके पास कोई बड़ा अमाउंट है और मार्केट के कंडीशंस के हिसाब से आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के इस मेथड के थ्रू आप मार्केट के अप्स एंड डाउन्स का फायदा उठा सकते हैं, यानी जब मार्केट नीचे जा रहा हो, जैसे ईयर 2020 में काफी मार्केट नीचे गिरा था, तब आपके पास लमसम इन्वेस्टमेंट का एक बहुत अच्छा मौका था। अब हम ये तो जान गए हैं कि लमसम और SIP में क्या डिफरेंस है, लेकिन अब हमें SIP करनी चाहिए या लमसम? गाइज, अगर आपके पास मार्केट की अच्छी नॉलेज है और आपके पास पैसा भी खूब है, यानी आपके पास अनलिमिटेड मनी है, तब आपके लिए लमसम बेस्ट है। और अगर आपके पास पैसा भी कम है और आपके पास मार्केट की नॉलेज भी इनफ नहीं है, तब आपके लिए SIP ही बेस्ट रहेगा। गाइज, आप चाहे लमसम करें या SIP, लेकिन आपके अंदर पेशेंस होना बहुत जरूरी है। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आप डेफिनेटली लॉस कर सकते हैं। हालांकि इसकी पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट 0 के बराबर होती है, लेकिन फिर भी आपके अंदर पेशेंस होना बहुत जरूरी है। गाइज, अगर आप म्यूचुअल फंड्स और SIP को और डिटेल में जानना चाहते हैं तो गाइज, एक 20 मिनट का कंप्लीट वीडियो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, यानी SIP और म्यूचुअल फंड्स की कंप्लीट नॉलेज आपको उस वीडियो के थ्रू मिल जाएगी, जिसे आप जरूर से चेकआउट करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। आई होप गाइज, आपको ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और आप इस वीडियो को आउट ऑफ 10 कितना रेट करने वाले हो हमें कॉमेंट कर बताओ।